صبح کے نور کا اعلان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے اے بھی ہر دور میں اہل وطن کا مان ہے اہل وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے ایسی ایک بستی بسانا نیب ہی کی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہل وطن کا مان ہے اہل وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجے کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی گری ان کے لیے آسان ہے نیب ہی ہر دور میں اہل وطن کا مان ہے اہل وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا نیب کا منشور خود ایک عزم عالی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہل وطن کا مان ہے اہل وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے زمین پاک میں یہ نیب کا ارمان ہے نیب ہی ہر دور میں اہل وطن کا مان ہے اہل وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے یہ نئی نسلوں کے حق میں نیب کا اعلان ہے نیب ہی ہر دور میں اہل وطن کا مان ہے اہل وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے نیب ہی ہر دور میں اہل وطن کا مان ہے نیب ہی ہر دور میں اہل وطن کا مان ہے نیب ہی ہر دور میں اہل وطن کا مان ہے اہل وطن کا مان ہے السلام علیکم سامعین اکرام FM101 کراچی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا پریزنٹر جمیل احمد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بدعنوانی کے خاتمے کا عالم دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک سے بدعنوانی کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا ناسور ہے جسے جڑ سے پھینکنا لازمی ہے
इस हवाले से हमारे मुल्क में एक बहुत ही अहम इदारा जो इस हवाले से काम कर रहा है, बहुत अंथक मेहनत के साथ काम कर रहा है, वो है नैब। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर नैब मोहम्मद ताहिर साहब। सबसे पहले तो उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, शुक्रिया सर। आज बदनवानी के खात्मे का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद, जैसा कि आप जानते हैं, कि हमारे मुल्क से जो है वो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना है, और इसके लिए आपका इदारा बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो कुछ सवालात हमने आपसे करने हैं। पहला सवाल ये है कि हम हर साल एंटी करप्शन यानी नैप एंटी करप्शन यानी बदनवानी के खात्मे का दिन जो है वो क्यों मनाते हैं? जी शुक्रिया जमील साहब। इसमें मैं आपको इस डे की मुनासबत से थोड़ी सी इसकी तारीख बताना चाहूँगा जी, क्योंकि करप्शन एक ग्लोबल फेनोमिना है और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से 2003 में मैक्सिको मेरिडा में एक कन्वेंशन कन्वीन हुआ जिसे नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का। तो इस कन्वेंशन में ये 9 दिसंबर को ये कन्वेंशन साइन हुआ बाय ऑल सिग्नेटरी कंट्रीज़, और इसमें अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तान इसमें से इस कन्वेंशन जिसको अनकैक भी कहते हैं, जो कि मेक्सिको में 2003 में मुनक़द किया गया, पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है। और इस कन्वेंशन का जो कस्टोडियन है वो पाकिस्तान की तरफ से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। तो क्योंकि ये 9 दिसंबर को कन्वेंशन कन्वीन हुआ और साइन हुआ, उसी डे की मुनासबत से टू कॉमेमोरेट दैट पार्टिकुलर डे अगेंस्ट द करप्शन, दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑल अराउंड द ग्लोब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एंड UNODC, ये दो अदारे हैं जिसके तहत ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में नैब इस डे को मुख्तलफ अपनी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के तहत इसको कमेमोरेट करता है। और इसी आपने देखा होगा कि आज मुख्तलफ न्यूज़पेपर में चैनल्स में आपको एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होंगी। जी अच्छा, इसके अलावा सर एक सवाल और भी है कि करप्शन बेसिकली बहुत सारी अकसाम है करप्शन की, तो लेकिन करप्शन है क्या, आप ज़रा डिफाइन कीजिए सर। जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। करप्शन की अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन की जाए तो करप्शन इज़ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द अकाउंटेबिलिटी from the authority and discretionary power, it will lead definitely to the corruption and corrupt practices. So simple definition of corruption is जब आप accountability को या एहतसाब को के concept को minus कर देते हैं, उसमें से उसको subtract कर देते हैं, जब आपको कोई authority दी जाए या आपको कोई ऐसी powers दी जाए जिसको हम discretionary powers कहते हैं, उसमें से अगर accountability और एहतसाब के concept को minus कर दिया जाए तो वो simply corruption and corrupt practices को जन्म देती है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि corruption की मुख्तलिफ forms क्या हैं, तो definitely उसमें बहुत सारी forms हैं corruption की। इसमें misuse of authority है, use of the official capacity और ऑफिशियल पोर्टफोलियो फॉर द प्राइवेट गेन्स हैं, इसमें एक्सट्रॉशनिज्म, वो भी करप्शन की एक अग्लियस्ट फॉर्म है, इसमें ग्राफ्ट, ब्राइबरी, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये तमाम ये मुख्तलिफ चीज़ें करप्शन की ही मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। और इसमें सबसे जो कॉमन प्रैक्टिस है ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी फॉर द प्राइवेट गेन है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जितनी भी है आपको मैंने करप्शन की फॉर्म्स बताई हैं, ये हमारे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9 में हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मीनिंग देयर बाय वी कैन टेक कॉग्निजेंस। इन तमाम ऑफेंसेस के खिलाफ नैब किसी भी वक्त एक्शन ले सकता है। ठीक है सर। अच्छा, नैब का करप्शन के खात्मे के लिए अहम रोल जो है वो क्या है, मतलब रोल क्यों? यस सर, नैब सर बेसिकली ये अनकन्वेंशनल इसने मेथड अडॉप्ट किया है अगेंस्ट करप्शन, और वो वही मेथड है जो तमाम दुनिया ने अगेंस्ट करप्शन अडॉप्ट किया है। और वो स्ट्रेटजी है जो कि 3-pronged स्ट्रेटजी, जिसको हम सहजहती यानी कि 3 महाजों पे हम लड़ते हैं। और ये स्ट्रेटजी दुनिया में जो वाइट कॉलर क्राइम्स और करप्शन क्राइम्स के खिलाफ सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की है, और वो स्ट्रेटजी है ये है, ये इसके जो 3 इसके हिस्से हैं वो है अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट। तो यही नैब का मिशन है,
अवेयरनेस प्रिवेंशन एनफोर्समेंट, इसका मतलब ये है कि हम तीन तरीके से काम करते हैं। एक हमारा एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है जो कि जो करप्ट इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ जो सेक्शन 9 को इन्वोक करता है, इसमें हम लोगों को के खिलाफ इंक्वायरीज चलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलाते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, कोर्ट में केस लेके जाते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, ECL पे डालते हैं, मुख्तलिफ इसकी जो एनफोर्समेंट की शक्लें। जबकि पैरेलल हमारी जो है इसमें वो ये है कि हम अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन करते हैं। अवेयरनेस के ही एक्टिविटी के सिलसिले में मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और हमारे बाकी रीजनल ब्यूरोज भी हेड क्वार्टर में भी एक इस वक्त तकरीब हो रही है और हमारे जो DG साहब हैं कर्नल सराज नईम साहब वो इस वक्त हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक अवेयरनेस एक्टिविटी के सिलसिले में वहाँ पे सेमिनार में गए हुए। मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार हो रहे हैं, ये हमारा अवेयरनेस हो गया। हम कॉलेजेस में जाते हैं, यंग स्टूडेंट्स को बताते हैं कि करप्शन एक नासूर है, ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है जिनके हाथ में हमारे इस पाकिस्तान की बागडोर होगी उनको हम ये बताएं कि इससे ये है क्या और इससे बचना कैसे है और कैसे इस नासूर से आप बच के इस मुल्क के मुफीद शहरी हो सकते हैं। दूसरा जो चीज़ मतलब तीसरी चीज़ उसमें प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन ऐसे है, इन दिस इन द प्रिवेंशन फील्ड यू आर सपोज टू स्टॉप द करप्शन बिफोर इट हैपन्स, यानी कि इस करप्शन को वकूअ पज़ीर होने से पहले ही आपने उसके वो तमाम रास्ते बंद करने हैं, वो लूप होल्स को प्लग करना है जिनके रास्ते से करप्शन हो सके। तो हम प्रिवेंशन अवेयरनेस और एनफोर्समेंट्स को मिला के एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसके तहत NAB काम करता है और ये वही स्ट्रेटजी है जो दुनिया में मॉडर्न कंट्रीज ने अपनाई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और अगर देखा जाए तो करप्शन के हवाले से एक आम आदमी अगर करप्शन से दूर रहना चाहे तो उसका असल तरीका ये कि हमारा ताल्लुक चाहे किसी भी महकमे से हो, हम चाहे कोई भी काम करते हों, चाहे हम मजदूर हों, चाहे किसान हों, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हों या प्राइवेट सर्वेंट हों, अगर हम अपना काम मेरे ख्याल में ईमानदारी के साथ अगर करते रहें तो मेरे ख्याल में हम करप्शन से दूर रह सकते हैं। एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि करप्शन की जो अकसाम हैं, शक्लें, वो कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि यही करप्शन की शक्लें हैं जिसमें आप मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी करते हैं और अपनी आपको कोई गवर्नमेंट ने, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, कोई ऑफिस दिया हुआ है, लेकिन आप किसी प्राइवेट पर्सन से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से किसी अपने प्राइवेट गेन्स के लिए उसके साथ कोई कनाइवेंस करते हैं और इस बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट को आप फ़ायदा पहुँचाएँ, उल्टा आप गवर्नमेंट एक्सचेकर को कोई नुकसान पहुँचाते हैं, या आप अपने किसी ऐसे काम जिसको हम सॉफ्ट मनी कहते हैं, ब्राइब मनी या ग्राफ्ट, वो यूज़ करते हैं, या आप चीटिंग पब्लिक एट लार्ज करते हैं। ये वो ऑफेंस है जो कि बाकी एंटी करप्शन अदारों में नहीं है, ये सिर्फ NAB के पास है। जैसे कि आप कोई एक प्राइवेट पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ धोखा करता है, इसमें कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं, या जो पैसे डबल करने के कुछ स्कैम्स हैं जो डबल शाह स्कैम के नाम से मशहूर हैं, मुख्तलिफ NAB के मुख्तलिफ रीजन्स में है, एक्सट्रॉशनिस्ट ये भी है। और दूसरी बात मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जो करप्शन है ये इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक कंपल्शन, इट इज़ टोटली मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट कि जी क्योंकि फला बंदा है उसके पास इकोनॉमिक मजबूरियां हैं, उसके पास प्रॉपरली टोटली ये फुली पेड नहीं है तो इसलिए करप्शन के रास्ते खुले। नो, दिस इज़ नॉट द केस। आई वुड टर्म इट एज ए इट्स अ मॉरल फेलियर। ये जब इंसान का इखलाकी इनहतात होता है, मॉरल टर्पिट्यूड होता है, वो मॉरली कोलैप्स होता है, तब वो करप्शन के रास्ते जन्म लेता है। सो करप्शन शुड नॉट बी कन्फ्यूज एंड मिसअंडरस्टूड विद द इकोनॉमिक कंपल्शन। ये इंसान जब इखलाकी तौर पे ख़त्म होता है तो वो करप्शन को रास्ते अपनाता है। सर, अगर देखा जाता है तो दुनिया भर में रिश्वत जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। बिल्कुल। और अक़वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें दुनिया भर में करप्शन के हवाले से जो है वो रिश्वत एक ऐसी किस्म है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई और रिश्वत जो है वो बहुत ज़्यादा दी गई पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो हमारे मुल्क में जो है वो रिश्वत सतानी या अक़रब परवरी या और दूसरे ऐसे जो नासूर है इनको इनके खात्मे के लिए जो है वो NAB जो है वो किस तरह का काम कर रहा है? जी सर, जो आपने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बताई है वो डेफिनेटली एक रिपोर्ट इस तरह की कोई कुछ अर्सा पहले वर्ल्ड बैंक ने भी इशू की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक वेरी अनफॉर्चुनेट के 1 ट्रिलियन की एनुअल करप्शन होती है अराउंड द ग्लोब पूरी दुनिया में। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने जो एक रफ फिगर दी थी उसमें यह था कि 1 ट्रिलियन की फिगर में तकरीबन 80% जो करप्शन था, जो 1 ट्रिलियन का 80% जो मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन था वो कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल में था, बड़े प्रोजेक्ट्स में था,
जबकि अप्रॉक्सीमेटली 20% करप्शन जो थी वो पेटी करप्शन में थी। तो दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया कि नैब इसमें कैसे काम करता है, तो नैब की ये स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल जो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके से है कि जब भी कोई कंप्लेंट आती है हमारे पास तो उसमें सबसे पहले हम कंप्लेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि हमारे पास कंप्लेंट आती है और विदाउट उसको असेसिंग द कंप्लेंट और कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट को हम जस्टिफाई किए बगैर उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं करते। और ये मैं आपको वाजे कर दूं कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे हम अक्यूज्ड को यानी मुलजम को नहीं बुलाते ताकि किसी किस्म का मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हमारा कोई भी नैब का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना कर सके। जब कंप्लेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है और उसकी रिपोर्ट आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमें ये कन्विंस करता है, हमें से बराद हमारा एक एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग होती है जो हर रीजन्स में अपना अपना एक रीजनल बोर्ड होता है, उसमें वो केस प्रेजेंट करता है और ये वहाँ पे पूरा आर्गुमेंट होता है जिसमें वो बताता है कि हमारे पास ऐसे प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस हैं जिसमें केस को हम आगे लेके जा सकते हैं। अगर कंप्लेंट वेरिफिकेशन में वो केस प्राइमा फेशाई यानी अपेरेंटली लग रहा हो कि इसको आगे हम ले जा सकते हैं, तब उस कंप्लेंट वेरिफिकेशन से हम नेक्स्ट अब मरहले में दाखिल होते हैं। वो नेक्स्ट मरहला होता है हमारा इंक्वायरी स्टेज पे। इंक्वायरी स्टेज पे हम बाकायदा इंक्वायरी ऑथराइज हो जाती है सेक्शन हमारे NAO के ऑर्डिनेंस के तहत, और इंक्वायरी में भी बाकायदा मुख्तलिफ हम अक्यूज को भी बुलाते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, मुतलका महकमों से लेते हैं, जहाँ जहाँ से भी पॉसिबल हो सके वहाँ से एविडेंस लेके हम केस को आगे चलाते हैं। इंक्वायरी के बाद फिर हम उसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करते हैं। उस स्टेज में अगर ज़रूरी समझा जाए तो हम एक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरी समझा जाए, अगर चांसेस ऑफ एब्सकॉन्डेंस हो या एक्यूज्ड का बाहर भागने का चांसेस हो तो हम उसको ECL पे भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ड्यू प्रोसेस के बाद। और अगर इन्वेस्टिगेशन में भी केस हमारी रीजनल बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट हो और उसमें पूरा बोर्ड इस पर कन्विंस हो कि ये एक कोर्ट वर्दी एविडेंस इसमें मौजूद है और कोर्ट में इस केस को हम स्टैंड कर सकते हैं, तो इस केस को हम अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में फाइल कर दिया जाता है रेफरेंस, और उसके बाद इसकी बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमारी ये ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी के तहत नैब काम करता है जी। अच्छा सर, जाहिर बात है नैब अपने तरीके से काम करने का, जिस तरह के आपने बताया कि जिस तरह काम करता है नैब ने अब तक बहुत सारे मुजरिम भी पकड़े होंगे और उसमें रकम भी जो है मतलब उसमें आई होगी, तब तक पता चला है कि कितनी रकम जो है वो नैब ने अब तक रिकवर की है? जी सर, ये बिल्कुल आपको मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। नैब आपको पता है कि 2009 में वजूद में आया और अब उसको ये 17 ईयर्स हो चुके हैं। इस छोटे स्पैन ऑफ टाइम में ये हमारी एक रिकॉर्ड रिकवरी है कि जो नैब ने की है वो है 278 बिलियन, यानी 278 अरब रुपए से ज़्यादा हमने ये 17 सालों में हमने रिकवर किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। हमने वाइट कॉलर क्राइम में यानी करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ ये जो रिकॉर्ड रिकवरी की है ये दुनिया में एक रिकॉर्ड है। 278 बिलियन अरब रुपए, ये रिकॉर्ड सर वाकई तो बड़ी बात है कि इतनी रकम जो है आउटस्टैंडिंग अब तक आपने रिकवर कर लिए। और लेकिन इससे तो फिर ऐसा लगता है कि करप्शन में अभी और काम जो है नैब का जो है अभी बाकी है। बहुत सारे ऐसे लोग अभी मौजूद हैं कि जिनसे अभी रकम जो है रिकवर करनी है। जी डेफिनेटली काम तो अभी बहुत करना है नैब को भी, बाकी तमाम अदारों को भी। इसमें एक जो कुछ पॉजिटिव साइंस हैं या पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं वो ये इस तरह है कि आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक इंडिपेंडेंट NGO है जिस बर्लिन में इसका ऑफिस है जर्मनी में, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने करप्शन के जो एक दर्जा बंदी है जिसको हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल इशू करता है, उसमें पाकिस्तान 2014 में ट्रांसपेरेंट कंट्रीज में 126 नंबर पे था, जो कि कोई बहुत अच्छी और हौसला अफजा बात नहीं थी जी। हाँ, लेकिन
लेकिन बहुत से मुल्क ऐसे भी कि जो इससे भी दर्जा जो है उनका बहुत ज्यादा कम है। जी कम है, बिल्कुल है। हमारा भी कोई इतना अच्छा नहीं है दर्जा, लेकिन हमसे भी वर्स्ट कंट्रीज हैं, लेकिन हमसे अच्छे भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन इसमें जो बेहतरी की तरफ जो इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं कि 2015 की जो रिपोर्ट इशू हुई है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इशू की है, उसमें हम 9 दर्जे हमारी रैंकिंग में बेहतरी आई है। तो एक साल में 9 जो स्टेप्स हमने इम्प्रूव किए हैं, 126 से हम 117 पे आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि एक साल में अगर हम 9 स्टेप्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि नैब भी और यकीनन बहुत सारे दूसरे इदारे भी कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जब लेकिन हमें एक बड़ी एक लंबी सफर का सामना है, इंशाल्लाह इसको भी हम। अच्छा सर, नैब में जारी बातें सजाएं भी आप मतलब दिलवाते हैं, अब तक कितनी सजाएं जो हैं वो दिलवाई हैं नैब ने, कितनी सजाएं हो चुकी हैं? जी, आपने बड़ा लीगल और टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। इसमें यकीनन जब हम केस जो हमने आपको अपनी पूरी मेथोडोलॉजी बताई है कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन से इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन और हर मरहले पे इसमें डिस्कशन होती है, हमारे प्रोसिक्यूटर्स हमारे लीगल कंसल्टेंट्स साथ होते हैं, हमारे लैंड रेवेन्यू एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ईच एंड एवरी स्टेप पे हम इसमें डेलिब्रेशंस होती हैं ताकि इसमें प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस कलेक्ट की जाए। और ये बड़ी अच्छी मैं आपको बात बताऊँ कि आमतौर पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनकी एक प्रॉब्लम होता है, उनकी ये अनफॉर्चुनेट होती है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन बाज़ औक़ात कोर्ट में केस को प्रूव करना आसान नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, बाज़ औक़ात एविडेंस इस लेवल का नहीं होता कि कोर्ट में उसमें फिर जब डिफेंस काउंसिल जो मुखालफ वकील आता है वो टेक्निकलिटीज़ में उसको उलझा देता है। ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन तमाम कि हमारा जो कानूनी शहादत ऑर्डर है, हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हमारा नैब का अपना ऑर्डिनेंस है, उन सब के जो इसमें जो इंट्रीकेसीज है, पेचीदगियाँ, इसके बावजूद भी नैब का जो कन्विक्शन रेट यानी सजाएं दिलवाने की जो शरह है वो तकरीबन 75% से भी ऊपर है। ये यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 केस अदालत में लेके जाते हैं तो ट्रायल के बाद, शहादतों के बाद, एविडेंस और तमाम विटनेस गवाहों की स्टेटमेंट्स के बाद हम 100 में से तकरीबन 75 यानी 75 से भी ज़्यादा जो हमारी रेशियो है केसेस में हम सजाएं दिलवाते हैं। तो ये कहने की एक बड़ा अच्छा रेशियो है, बहुत ही अच्छा। ये दुनिया में अगर आप इसका बाकी वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करें तो ये हम जापान के साथ और दूसरे जो क्लीन कंट्री समझे जाते हैं हमारा कन्विक्शन रेट उनके साथ कम्पीट करता है। तो ये एक बड़ी ही हौसला अफजा हमारे लिए बात है कि नैब एक पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है। सर, नैब ने जो अब तक काम किए, बाकी इसमें कोई शक नहीं कि जितनी आपने बातें बताई हैं वो सारी हौसला अफजाएं और जो स्टेप्स जिस तरह आप लोग ले रहे हैं और इसमें दिन ब दिन जो है वो फ़ायदा ही होता जा रहा है, मतलब स्टेप्स जो है बढ़ते जा रहे हैं आपके, और एक वक्त आएगा कि तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो करप्शन से पाक मुल्कों की सफ में खड़ा होगा। लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी जो है वो एक लाहे अमल जो है वो इख्तियार करने की ज़रूरत है, दूसरा अवेयरनेस जो है उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। वजूहात जो है करप्शन के, एक आम आदमी जो है वो करप्शन में मुलव्वस हो जाता है ना चाहते हुए भी, उसकी वजूहात क्या हैं? जी सर, बिल्कुल इस पे भी हमें बिल्कुल सोचना चाहिए कि काजेज़ ऑफ करप्शन क्या है, क्यों लोग करप्शन में। उसमें दो तीन चीज़ें हैं सर, उसमें एक तो हमारे लो वेजेस हैं, हमारी ऑन द होल ये समझा जाता है कि सैलरीज तनख्वाहें कम है, इसको भी एक वजह समझी जाती है। दूसरा ये है कि लेंथी एंड कम्बरसम प्रोसीजर्स, मतलब हमारे जो लाज हैं, कानून हैं, रूल्स हैं, वो इतने पेचीदा हैं हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कि वो इंसान जब किसी डिपार्टमेंट फॉर पुलिस में FIR करवाने जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपनी फ़र्द लेने जाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाता है, या आप इवन लीगल सिस्टम में अगर आप जब जाते हैं तो आपको रीडर्स वगैरह डेट्स ऐसी देते हैं जो आपके लिए नहीं होती, या आपका मुखालफ आपको लंबी डेटें या छोटी डेटें दिलवा देता है। तो ये ऐसा है, लीगल लेंथी एंड कम्बरसम प्रोसीजर्स, कॉम्प्लिकेटेड लॉज, लो वेजेस, ये सारी वो वजूहात हैं जो कि एक आम आदमी को ये रास्ता दिखाते हैं कि यार इन पेचीदा जो हम रूल्स में से, इन पेचीदा उलझनों से बचने के लिए, वो करप्शन का जो है ना वो शिकार हो जाता है। जरूरी है कि हम लॉज को, प्रोसीजर को सादा करें, सिंप्लीफाई करें और ह्यूमन इंट्रैक्शन इसमें कम से कम करें, यानी कि एक आम बंदे का पब्लिक ऑफिस होल्डर से बराह रास्त कॉन्टेक्ट कम से कम हो और वो मतलब कि ऑटोमेशन पे जाएं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें,
हम वेबसाइट्स का यूज करें, ऑटोमेशन पे जाएं, ह्यूमन इंटरेक्शन कम करके हम ऑटोमेशन पे जाएं। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे और करप्शन के खात्मे के हवाले से जितनी भी अवेयरनेस आपने दी वो वाकई बहुत अच्छी थी, और हमें चाहिए कि हमें आपकी इन बातों पर अमल करें। एक आम आदमी को इनकी बातों पर अमल करने से मेरे ख्याल में करप्शन से दूर रह सकता है। अपने मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए हर हद तक हमें जाना है। इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने प्रेजेंटर जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। हमारे स्टूडियो मेहमान थे एडिशनल डायरेक्टर नैब मोहम्मद ताहिर। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।